पीयूष मिश्रा जी की एक पोएट्री है, उस पोएट्री का टाइटल है वो मुझे बहुत पसंद है और हमारी आज की वीडियो के लिए ठीक भी है। कुछ इश्क किया कुछ काम किया। दोस्तों है तो बस कुछ शब्द मगर बहुत ही बड़ी चीज की तरफ इशारा करते हैं। हम सब और ये पूरी दुनिया कहीं ना कहीं प्यार से जुड़ी हुई है। हम कुछ भी चीज करते हैं तो उसमें प्यार ही तो ढूंढते हैं, तभी तो उस काम में हमें कामयाबी मिलती है और हम लाइफ में रिलैक्स और सेटिस्फाई हो पाते हैं। पर अगर सोचो आपको किसी से कुछ लगा भी नहीं है, आप बस मन मार कर किसी रिश्ते को चला रहे हो, मन मार कर कोई काम कर रहे हो, तो क्या वो रिश्ता वो काम कामयाब हो पाएगा? कभी भी नहीं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको किसी चीज से लगाव है ही नहीं और आप उसमें सक्सेस हो रहे हो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूँ, कुछ वो चीजें जो आप सब जानना चाहोगे। जैसे अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आप किसी चीज में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए और कामयाबी पाने के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये चीजें करते हो तो एक पॉइंट पर जाकर आपको ये लगने लगेगा कि आपने ये क्यों किया था। आपने वो ना किया होता तो आज दिन कुछ और होते और हो सकता है कि पूरी लाइफ ही कुछ और होती। टाइम होता आपके पास या किसी और चीज में कामयाबी होने का रास्ता होता, मगर उस टाइम आपने वो कदम उठाया तो आपको इस टाइम रिग्रेट हो रहा है। ये बातें वो है दोस्तों जो मैंने आसपास देखी, मैंने सुनी, जो मुझे लगा कि अगर मैं आपसे शेयर करूंगा तो आपको पता चल सकेगा कि हाँ वाकई इस चीज से बचा जा सकता है और लाइफ मजे से गुजारी जा सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हो इन सभी बातों को तो बस जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक, ताकि आप बहुत ज्यादा हर्ट होने से बच पाओ। दोस्तों सबसे पहले है सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो यार, हम में से बहुत से लोग किसी रिश्ते को चलाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सामने वाले के पैरों में लाकर रख देते हैं। उन्हें यही लगता है कि वो जो पर्सन उन्हें इतना झुकने पर मजबूर कर रहा है वो उनके लिए सही होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें देकर अपने रिश्ते को बचाकर बहुत ही ज्यादा सही कर रहे हैं। पर यार आप खुद सोचो, जो इंसान आपकी जरा भी इज्जत नहीं कर रहा, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से या आपके रोने से, क्या वो पर्सन आपके लिए सही हो सकता है? आपको घंटों वेट करना पड़ रहा है उसके एक मैसेज के लिए, उसकी कॉल के लिए। आपको हाथ उठाने पड़ रहे हैं, मिन्नतें करनी पड़ रही है, तब जाकर वो इंसान फोन उठा रहा है। क्या ये इंसान वाकई आपके लिए बहुत सही है? मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी रिश्ते में पैरों में गिरकर मिन्नतें करनी चाहिए कि वो आपसे बात करे। ऐसा ही होता है मंजिलों के रास्ते में भी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कामयाब तो होना चाहते हैं मगर किसी भी कीमत पर। जैसे उनकी किसी अच्छी कंपनी में जॉब लगना उनका सपना था, बाद में अगर उनकी जॉब लग भी गई बट वहां का जो स्टाफ है वो उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा, उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, कई साल काम करने के बाद भी उनकी उस नौकरी में इज्जत है ही नहीं। ऐसे ही कुछ लोग मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, बट उस लाइन में उनसे बहुत गलत गलत चीजें करवाई जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो अपने ड्रीम के लिए, तो ये लोग रिप्लाई दे रहे हैं कि मैं किसी भी कीमत पर अपना ड्रीम हासिल करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो सामने वाले को एक हिंट मिल जाता है और फिर वो आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जबकि यार आपको किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए अपने अंदर अपने खुद के कुछ रूल्स क्रिएट करने चाहिए। आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। आपकी खुद की कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपकी एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि अगर इससे ज्यादा चीजें आपके साथ हुई तो आप उस रिश्ते में नहीं रहोगे, आप उस जगह नहीं रहोगे जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबाकर आपको उठना पड़ रहा है। दोस्तों हमेशा याद रखो कि एक शेर कभी भी जंगल का सबसे पावरफुल या सबसे बड़ा जानवर नहीं है, वो अपने एटीट्यूड से जंगल पर राज करता है। ऐसे ही पक्षियों में एक से एक सुंदर अच्छे से अच्छे पक्षी हैं, मगर सबसे ऊपर बाज उड़ता है। बाज कभी भी आपको कबूतरों के झुंड में नजर नहीं आता, ये कभी भी अपने ग्रुप को लेकर साथ नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है और सबसे दूर उड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इज्जत देकर कमाया हुआ पैसा और प्यार दोनों ही बेकार है। हमें कोई चीज ऐसी नहीं चाहिए होती जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार करे। इसके बाद है अपने दोस्तों को भूलना या अपनों को भूलना। बहुत से लोग यार ये गलती करते हैं कि जब अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश होते हैं या किसी रिश्ते में बहुत खुश होते हैं तो बाकी लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, जो उनके साथ बचपन से थे या जो उनका ख्याल रखते थे। ऐसे ही कुछ लोग मंजिल के रास्ते में चलते वक्त, कामयाबी हासिल करते वक्त दोस्तों से मिलना कम कर देते हैं, बिजी रहने लगते हैं और फिर एक अकेलापन उन्हें घेरना शुरू कर देता है। जबकि यार आपको किसी भी सिचुएशन में उन लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए या उनसे नाता नहीं तोड़ना चाहिए जो आपका ख्याल रखते हैं या आपके साथ बहुत पहले से हैं। क्योंकि यार एक टाइम पर जब आपका पार्टनर या जिस रिश्ते में आप खुश थे वो आपका खराब होने लगेगा या खुद को बिजी रखते रखते अकेलापन आपको घेरने लगेगा, तो यही लोग आपको बहुत याद आएंगे और हो सकता है कि यही लोग आपकी बार बार मदद भी करें आपको बहुत ही ज्यादा खुश रहने में। इसके बाद है शक। शक किसी भी रिश्ते का या किसी भी चीज का बहुत नेगेटिव पॉइंट है। ये एक अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर सकता है और अच्छे खासे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को पैदा कर सकता है।
देखो यार, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप किसी रिश्ते में है तो हर किसी इंसान को आजाद रखना सीखो। किसी को भी किसी भी चीज के लिए फोर्स करने की नीड नहीं है। कोई जरूरत नहीं है किसी पर भी पाबंदी लगाने की या ये सोचने की कि ये फ्यूचर में साथ होगा या नहीं। क्योंकि अगर आप लाख कोशिश कर लो उसे बांधने की, शक करने की, अगर उसे जाना होगा तो वो जरूर जाएगा। और अगर आप ना तो उसे किसी चीज के लिए फोर्स करते हो और ना ही किसी भी चीज का शक करते हो सकता है कि वो आपके साथ खुश रहे। ऐसे ही सक्सेस होने के लिए कभी भी आपको अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी मेहनत पर और मेहनत से मिलने वाले फल पर शक नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ लगातार काम करते जाना है और देखना है कि आपके जो एक्शन है वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद है, कभी भी सिर्फ अपनी तारीफ मत करो या हर चीज को कंट्रोल करने की मत सोचो। दोस्तों, करियर और लव दोनों में ही ये बात बहुत ही ज्यादा असर करती है कि आप सिर्फ अपने आप को ही समझ रहे हो या हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप किसी रिश्ते में सामने वाले को बार बार ये बोलते हो कि आप क्या कर सकते हो, आप बार बार ये जताते हो कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी पावर है, तो यार कहीं ना कहीं ये चीज आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। इसी तरह जब कोई काम करते वक्त आप अपनी ही चीजों का गुणगान करते रहोगे तो आप ना तो कोई नई चीज सीख पाओगे और ना ही किसी का दिल जीत पाओगे। अपने काम को लोगों के सामने लाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए और ज्ञान सिर्फ तभी मिलता है जब आप ये सोचो कि आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको सीखना है। इसके बाद है, दोनों में से किसी भी चीज का असर किसी दूसरी चीज पर करना। जैसे आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई तो आपने करियर पर भी ध्यान देना छोड़ दिया, या आपके काम में कुछ प्रॉब्लम हुई तो लड़ाई झगड़ा करके अपने रिश्ते को खराब कर लिया। यानी मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको मालूम होना चाहिए हर चीज को किसी दूसरी चीज से मिक्स नहीं करना। आपका मूड ठीक नहीं है तो किसी से बात मत करो या कुछ देर अकेले बैठ जाओ, सो जाओ। लेकिन कभी भी ऐसा मत करो कि किसी और चीज से आपका मूड बिगड़ा और आपने गुस्सा कहीं और निकाल दिया। ये सभी बातें आपको अमेजिंग पर्सनैलिटी बनाती है। लोग आपको सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि हाँ, कोई बहुत खास उनके पास है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी लाइफ में आगे बढ़ने में, हर सिचुएशन को हैंडल करने में और लाइफ में सक्सेस होने में। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैला हुआ है जो छूने से फैलता है और लगभग पूरी दुनिया में फैल गया है। तो यार प्लीज किसी से मिलना, बाहर जाना, अनहेल्दी फूड खाना और साफ सफाई पर ध्यान ना देना छोड़ दो। आपके जरा से सपोर्ट से हमारा देश इस खतरनाक वायरस से बच सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझेंगे। खुद को सेफ रखिए ताकि आपकी वजह से बाकी लोग भी सेफ रहें। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़िए। इंस्टाग्राम पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।